हेलो हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्रेस में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्रकाश चैप्टर से, किससे? प्रकाश चैप्टर लाइट से अपन 50 क्वेश्चन कर लिए थे, अब 51 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। चलिए सभी लोग तैयार हो जाइएगा। देखिए 51 क्वेश्चन क्या है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में जो लालिमा किस कारण छा जाती है? लालिमा मतलब क्या होता है? जो लाल प्रकाश दिखाई देती है उसका कारण क्या होता है? चलिए बताइएगा लालिमा का क्या कारण होता है। आपको पता दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो लालिमा है वो छा जाती है। बीस का राइट होगा। क्या होगा? बीस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकीर्णन से क्यों इसका आंसर होगा दोस्तों, देखिएगा। सूर्योदय और सूर्योस्त के समय क्या, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है? लालिमा इसलिए दिखाई देती है कि जो लाल प्रकाश है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, प्रकाश लाल का तरंग दर ज़्यादा है इसलिए दूर से देख सकते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? बताइएगा क्या जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के परिणाम नहीं है? चार में से आपको राइट आंसर बताना है क्या है जो परिणाम नहीं है। देखिएगा तो वायुमंडल अपवर्तन का परिणाम नहीं है, ये आपका है दोस्तों, आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना यह अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, यह प्रकीर्णन का उदाहरण है। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर करते रहेंगे। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को सभी को शेयर कर देना है। जितने भी दोस्त हैं आपके पढ़ने वाले, सभी को शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले जितने भी दोस्त हैं सभी के पास वीडियो पहुँच जाए। चलिए और जितने दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? बताइएगा किसके कारण कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो हम बता दें एक आपको लॉजिकल, कोई भी चीज़ जब पूछे उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, उसका एक ही आंसर करना है अपवर्तन। क्या करना है? अपवर्तन। अगर पूछ दिया आपसे तालाब का जो ज़मीन है, क्या दोस्तों तालाब की जो ज़मीनी स्तर है वो उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन। मछली ऊपर क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। पूछा था तरल से भरे हुए बीकर का जो तल है, जो तल है वो उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर थोड़ी उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो अपवर्तन के कारण बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर करते रहना है। जिनसे भी आंसर बनता है क्वेश्चन का, कमेंट में आंसर करते रहेंगे। और ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, किसका? फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, घटना चक्र। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस किससे बनता है ये आपको बताना है। पाइरेक्स कांच, लिफ्ट कांच, साधारण कांच, कोबाल्ट कांच। बताइएगा लेंस जो है, लेंस का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है दोस्तों फ्लिंट कांच से होता है। किससे होता है? फ्लिंट कांच से होता है लेंस का निर्माण। क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर राइट आंसर। अगर लेंस की बात करें तो दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? क्या दृष्टि के स्थायित्व का जो सिद्धांत है किसके पीछे का सिद्धांत है ये आपको बताना है। बताइए, देखिए दृष्टि का जो स्थायित्व होता है सिनेमा में उसका प्रयोग होता है। किसमें होता है? सिनेमा में प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी पढ़ने वाले साथी हैं आपके सभी लोग आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, मरीच का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आपको बताना है मरीच का किसका उदाहरण है। चलिए मरीच का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? चलिए तो बता देते हैं हम आपको दोस्तों, मरीच का जो है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। सी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी आंसर सी कर रहे हैं सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए एसएससी 2015 में आ चुका है। क्वेश्चन किस में आ चुका है? एसएससी 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों, मृग मरीचिका बनाने वाली जो परिघटना है उसको क्या कहते हैं? क्या मृग मरीचिका बनाने वाली जो घटना है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका मतलब क्या होता है? जिसे आप रेगिस्तान में जाओगे, किसमें? जब आप रेगिस्तान में जाओगे दोस्तों तो आपको क्या दिखेगा? आपको ऐसा प्रतीत होगा कि पानी है, लेकिन वहाँ पास पानी नहीं रहता है। क्या होता है? रेत में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? रेत में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे आपको लगेगा कि यहाँ पास पानी है। वहाँ पास जाओगे तो पानी नहीं देखेगा, वहाँ पास रेत रहता है। तो हमसे सिंपल से क्वेश्चन पूछा था,
मृग मरीच का बनने का जो घटना है आपको लगाना है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या लगाना है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्मकाल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? क्या पूछा है? जो मरीचिका है, तो देखिए ये मरीचिका वाला जो घटना दोस्तों, ये ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी में होती है। क्या होता है? गर्मी में जब प्रकाश बहुत तेज पड़ती है, तो जब रेत में प्रकाश पड़ती है तो रेत से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, तो रेत इतना चमकदार दिखाई देता है कि वो लगता है कि पानी है, लेकिन पानी रहता नहीं है। तो क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है दोस्तों आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। किस कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सर सीवी रमन को उनके किस योगदान के लिए या किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइएगा, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रकाश परावर्तन, प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश परिक्षेपण, बताइए। चलिए सभी लोग कमेंट में आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। सीवी रमन को, किसको दोस्तों? साइंटिस्ट है सीवी रमन। सीवी रमन जी को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो 59 का राइट आंसर, तो ये मिला दोस्तों आपको प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। किसके लिए मिला? प्रकाश प्रकीर्णन के लिए मिला। सी इसका राइट होगा। क्या राइट होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या? बने हुए प्रतिबिंब, तो देखिए बता दें, अगर जब भी पूछेगा समानांतर रखा है क्या वस्तु, अगर समानांतर रखा है तो प्रतिबिंब अनंत बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले बार एक ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आया था, देखिए एसएससी में आ चुका है। तो जब भी पूछे वस्तु अगर समानांतर रखी है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत बनेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका इसका, इसका राइट आंसर होगा डी। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वाहनों के अग्रदीप मतलब जो हेडलाइट होते हैं किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? बताइएगा, वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये प्रयोग करते हैं दोस्तों परवलयी दर्पण। कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? परवलयी दर्पण। किसका प्रयोग करते हैं? परवलयी दर्पण का प्रयोग करते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के दर्पण होते हैं? क्या कारों के हेडलैम्प में जो है प्रयुक्त दर्पण जो होते हैं किस प्रकार के दर्पण होते हैं आपको बताना है। चलिए बताइए, तो ये जो होते हैं दोस्तों परवलयिक अवतल होता है। किस प्रकार का होता है? परवलयिक अवतल होता है। ए राइट होगा। क्या दोस्तों? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन आया था 2007 में। अगला क्वेश्चन, वाहन चालक हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, मतलब क्या पूछ रहा है कि जो वाहन चालक ड्राइवर होता है पीछे की चीज पश्च दृश्य मतलब पीछे की चीजों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चलिए बताइएगा, पीछे की चीजों को देखने के लिए जो ड्राइवर होते हैं गाड़ी के किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? आंसर बताइए। तो इसको कई बार हम बता चुके हैं, उत्तल दर्पण का। पीछे की चीजों को देखने के लिए ड्राइवर किसका प्रयोग करते हैं? तो ड्राइवर करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वही फिर से क्वेश्चन पूछ दिया कि पीछे से जैसे वस्तु आ रही है तो हमको पीछे की वस्तु को देखना है, तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? अभी बताएं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। सी इसका राइट होगा। क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती है, दर्पण के अंशों की शेप कैसे होती है? मतलब ये जो आपको प्रश्न में बताया है ये सभी जो नियम हैं किस दर्पण में लगते हैं आपको बताना है। तो ये लगता है दोस्तों उत्तल और समतल में। किस में लगता है? उत्तल और समतल दर्पण में ये सब नियम लागू होते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? चलिए बताइएगा, उत्तल और अवतल जो हैं किसके उदाहरण हैं, किसके एग्जाम्पल हैं? चलिए जी क्वेश्चन है, लेकिन ये जी क्वेश्चन भी पेपर में आता है, तो कर दीजिए इसका आंसर। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण दोस्तों
गोली दर्पण के क्या, गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, और जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, पूरे घटनाचक्र के क्वेश्चन करवाने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट के, जितने क्या है दोस्तों, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको हम। चलिए बताइए प्रकाश का वेग, चलिए आंसर कीजिएगा, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो बता दें दोस्तों प्रकाश का जो वेग होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्या 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का वेग। ध्यान से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों पिछले बार NTPC में भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता है, बताइए क्या होता है। चलिए बताइए, 3D फिल्म में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है, बताइएगा अगर आपको 3D फिल्म देखना है तो कौन सा चश्मा का प्रयोग करते हैं। सभी लोग राइट आंसर करेंगे, तो वो करते हैं दोस्तों पोलेराइज। कैसा चश्मा होता है, पोलेराइज चश्मा होता है, कैसा, पोलेराइज चश्मा होता है जिसमें 3D फिल्म अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है, बताइए क्या बताना है आपको, आपको बताना है कि समुद्र की जो सीपी है किस कारण से सुनहरी दिखाई देता है। चलिए बताइएगा, बताइए राइट आंसर, समुद्र की सीपी किस कारण सुनहरी दिखा देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये दोस्तों ध्रुवण के कारण, किस कारण होता है ये जो होता है दोस्तों ध्रुवण के कारण होता है। सी इसका राइट आंसर होगा, क्या, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है, चलिए बताइए एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है, ये चलिए आंसर कीजिएगा। तो यह दोस्तों कावालूर में है, कहाँ पर है, कावालूर में स्थित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है, किसमें दोस्तों, साबुन के बुलबुले पर जो श्वेत प्रकाश डालने से जो रंग दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं व्यतिकरण। ये कौन सी प्रक्रिया है, व्यतिकरण की घटना है ये, इसका क्या होगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकाशी घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं, बताइएगा किस घटना के कारण जो है हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं, क्या आकर्षक होते हैं, चलिए आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या कि इसे को बोलते हैं बहुलित आंतरिक परावर्तन, क्या बोलते हैं, बहुलित आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंगे हैं, चलिए बताइए प्रकाश तरंगे क्या है, वैद्युत तरंगे हैं, चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, या स्थिर विद्युत तरंगे हैं, बताइएगा प्रकाश तरंगे क्या है। तो बता दोस्तों प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, क्या होती है, प्रकाश तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, सी इसका राइट होगा, क्या राइट होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रकाश तरंगे क्या है, तो प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंगे, क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, बताइएगा प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, किसमें चेंजमेंट होता है, किसमें, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किसमें चेंजमेंट होता है, 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 76 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सी राइट होगा, क्या दोस्तों, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है, सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है, अगर व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में अंतर करना हो तो कैसे अंतर कर सकता है, बताइए। तो ये अंतर करने का बता दें हम स्टाइल, कैसे कर सकते हो अंतर, लेंस की लंबाई और आकार से, कैसे, लेंस की लंबाई और आकार से कर सकते हो। चलिए और एक बार सभी को शेयर कर दें,
अगला क्वेश्चन देखिए, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दें, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें ताकि मनोबल बढ़ते रहे। और डेली क्वेश्चन कराया जाएगा, क्या डेली क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित दोस्तों? तो लैम्बर्ट नियम संबंधित है प्रतिदीप से, किससे रिलेटेड इससे है? प्रतिदीप से रिलेटेड है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय पहुंचता है? बताइए बताइए, हाँ सभी को राइट आंसर बताना है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो ये पहुंचता दोस्तों आपका 8 मिनट में, कितने पहुंचता है? 8 मिनट में पहुंचता है, क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? बताइएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो वर्णांधता जो होता है, इसका जो दोष अगर दूर करना है दोस्तों, तो किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों हम बता दें, वर्णांधता को किसी भी लेंस से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि जो वर्णांधता है ना जेनेटिक रोग है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब वर्णांधता को आप दूर नहीं कर सकते लेंस के माध्यम से। तो इसका डी राइट आंसर होगा, क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डेल्टोनिज्म, क्या दोस्तों क्वेश्चन क्या है? डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी का जो उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख सकता। डेल्टोनिज्म जो हो जाता है रोग, उसमें जो रोगी है कौन सा रंग नहीं देख पाता, ये आपको बताना है। चलिए आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो देखिए, वो जो रोगी है दोस्तों हरा लाल नीला ये कोई भी रंग नहीं देख पाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? बताइए बताइए राइट आंसर, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण कौन सी गैस है, ये आपको बताना है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कौन सा है? सीएफसी है। कौन सा गैस है दोस्तों? सीएफसी गैस है। कौन सा है? सीएफसी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? डी नंबर राइट होगा, क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है कैसी? बताइएगा आंसर बताइए, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की जो परत है हमारी कैसी मदद करती है? तो ये मदद करती है दोस्तों, कैसी मदद करती है? पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में, कैसे? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने में करती है। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? चलिए आंसर कर दीजिएगा, हमारी रक्षा किससे करती है, ये आपको बताना है। तो ये रक्षा कर दोस्तों पराबैंगनी किरण से, किससे दोस्तों? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है कौन? ओजोन परत। इसलिए ओजोन परत को बचाना बहुत जरूरी है, सी इसका राइट होगा, क्या? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंचता? बताइएगा, तो पराबैंगनी किरणें हैं वो किस कारण से पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है? तो बता दें दोस्तों, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर इस कारण से नहीं पहुंचती क्योंकि अपने पास क्या है? ओजोन परत है, ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर है तो पराबैंगनी किरणें आती है ओजोन परत में, किसमें? ओजोन परत में टकरा कर पुनः वापस चली जाती है, वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है, घटना बताइएगा, किसमें जो है दूर की चीजें जो है फोकस से हटकर दिखाई देती है? चलिए बताइएगा, तो वो घटना दोस्तों निकट दृष्टि दोष में, किसमें? निकट दृष्टि दोष में जो है दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है 2005 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बता दें जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ना सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आंसर करते रहिएगा। अब पूरी घटना चक्र करवाने वाले हैं, अभी जितना भी फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन है ना सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि मनोबल बढ़े, और लाइक भी करें, क्या करना है? लाइक भी करना है। अगला क्वेश्चन,
उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में बिंदु जो है केंद्र के बाहर दिखाई देता है, बताइए उसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोला जाए दोस्तों अबिंदुकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अबिंदुकता बोलते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जिनसे भी आंसर आता है कमेंट में आंसर करते रहे वो लोग, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, शेयर भी कर दें एक बार। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या होता है बताइए। बताइए दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या होता है? तो निकट बिंदु होते हैं 25 सेंटीमीटर से अधिक। क्या? 25 सेंटीमीटर से अधिक, ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, डायोप्टर किसकी इकाई है? चलिए बताइएगा, क्या बताना आपको डायोप्टर किसकी इकाई है? चलिए हाँ, सभी को पता होना चाहिए डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। क्या? सभी को पता होना चाहिए लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है बताइएगा? एसआई इकाई पूछा। क्या पूछा है? एसआई इकाई क्या हो जाएगा? डायोप्टर किसकी एसआई इकाई है? तो पहले ही बता चुके दोस्तों लेंस की शक्ति है। क्या है? डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति है। क्या है? डायोप्टर लेंस की शक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? क्या करता है? न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। चलिए बताइएगा, क्या पूछा? न्यूनतम वेग से कांच में जो संचलित करता है प्रकाश कौन सा प्रकाश है? बैंगनी प्रकाश होता है। एक्चुअली कौन सा प्रकाश होता है वो? तो वो होता है बैंगनी प्रकाश होता है आपका। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब जिनसे भी क्वेश्चन का आंसर आता है वो आप कमेंट में करते रहें। क्या करना आपको? आपको कमेंट करते रहना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आंसर कीजिएगा। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा? किसके माध्यम से? टेलीस्कोप के माध्यम से। क्या क्वेश्चन दोस्तों? टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा, तो कौन है वो वैज्ञानिक? तो वो वैज्ञानिक है दोस्तों गैलीलियो साहब है। कौन है? गैलीलियो साहब है। और गैलीलियो साहब की एक और उपलब्धि अगर बता दीजिए, बता दें हम, तो जड़त्व का नियम। क्या दोस्तों? जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशी दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्यों? बताइए, प्रकाशी दूरबीन की अपेक्षा जो रेडियो दूरबीन होते हैं वो अच्छे होते हैं, इसका जो कारण होता है दोस्तों बताइएगा। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए सभी राइट हो सकते, मतलब ये सभी कारण है उसके। क्या? पढ़ लीजिएगा इसका। देखिए वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। क्या? वे दिन और रात मतलब दोनों में काम कर सकते हैं। क्या दोस्तों? जो रेडियो दूरबीन होते हैं, रेडियो दूरबीन दिन रात दोनों में काम कर सकते हैं, तो तीनों राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार शेयर कर दें सभी दोस्तों को, एक बार शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाते हैं? मतलब अत्यंत दिशक होता है, मतलब ज्यादा दिशा में वो गमन करती है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? चलिए आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लेजर बोलते हैं उसको। अत्यंत दिशिक होती है, मतलब ये अगर आप लेजर प्रकाश को यहाँ से मारोगे तो बहुत दूर तक दिखाई देती है, है ना। अत्यंत दिशिक जब भी पूछेगा आपको बताना लेजर प्रकाश बताना है। क्या बताना है आपको? आपको बताना दोस्तों लेजर प्रकाश होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? चलिए बताइएगा, क्या क्वेश्चन है? प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? हम पहले ही बता चुके दोस्तों, दोबारा बता रहे हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को कैसा जाना चाहिए? सघन से विरल में जाना चाहिए। किस में जाना चाहिए? सघन से विरल में जाना चाहिए। इस हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश जो है कांच से जल में जाए। किस में जाए प्रकाश? प्रकाश जब कांच से जल में जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसको? देखिए जो हम सेशन चला रहे हैं इसको आप प्रैक्टिस सेशन मानिए। क्या मानिए? प्रैक्टिस सेशन मानिएगा आप। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या दोस्तों? तो वायुमंडलीय अपवर्तन है।
क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है, डी इसका राइट होगा। क्या राइट होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा बीटा और गामा की भेदन क्षमता अपने आरोही क्रम में किस क्रम में होती है, बताइएगा। अल्फा बीटा और गामा की भेदन क्षमता आपको बताना है। चलिए जिनको मालूम है आंसर कीजिएगा, तो हम बता दें दोस्तों, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होता है गामा का, फिर भेदन क्षमता होता है बीटा का, फिर भेदन क्षमता होता है अल्फा का। तो गामा, बीटा और अल्फा भेदन क्षमता में, तो क्या होगा राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर दोगे दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट होगा। क्या, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक जैविक क्षति किससे होती है, क्या पूछा है, जैविक क्षति, सबसे ज्यादा जो जैविक क्षति होती है किससे होती है बताइए। तो ये होती है दोस्तों गामा किरण से, किससे होती है, गामा किरणों से होती है अत्यधिक क्षति। क्या दोस्तों, अत्यधिक जो क्षति होती है गामा किरणों से होती है। बी इसका राइट होगा। क्या राइट होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, क्या, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। चलिए आंसर कर दीजिए, सबसे कम तरंग दैर्ध्य की अगर बात की जाए, देखिए सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य अगर पूछेगा अल्फा, फिर उसके बाद बीटा, फिर उसके बाद गामा, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा का, तुमसे क्या पूछा है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो हम लगाएंगे गामा का। किसका होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है गामा किरणों का, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है, क्या, जो तीक्ष्ण है वो कौन तय करता है कैमरे में, चलिए आंसर कीजिए। तो वो तय करता है दोस्तों द्वारक, कौन तय करता है, द्वारक तय करता है, ए राइट होगा। क्या राइट होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी अपन फटाफट क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है, मतलब आपको बताना है प्राथमिक रंग, क्या बताना है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। चलिए लाल, हरा, नीला, क्या दोस्तों, लाल, हरा, नीला ये होते हैं प्राथमिक रंग। कौन से होते हैं, लाल, हरा, नीला जो होते हैं प्राथमिक रंग होते हैं। देखिए एसएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्राथमिक रंग जो है दोस्तों ये साइंस का एक बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको याद रहना चाहिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है, मतलब जो अत्यधिक तेज प्रकाश होता है उसका प्रयोजन क्या होता है, इसका जो कारण हम बता दें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डी होगा। समुद्र में विभिन्न दिशाओं से जो आ रहे जहाज हैं उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें चेतावनी देना, डी राइट होगा। क्या राइट होगा दोस्तों, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा इसका आंसर, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। कहने का मतलब जी, ऑब्जेक्टिव टाइप से जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, पहले नहीं था, एक पेपर में रहता था, एक के सामने चार गोला था, उस गोला में आपको टिक करना है ना, फिर उसकी जाँच कौन करता था, मतलब बताइएगा, उसकी जाँच के लिए कौन सा मशीन था, ये आपको बताना था। उसकी जाँच के लिए बता दोस्तों, मशीन का नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड रिकॉग्नाइजेशन, ए इसका राइट होगा। क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर कारों में हेडलाइट की चकाचौंध को हटाने के लिए, क्या, मोटर कारों में हेडलाइट की चकाचौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए राइट आंसर बताइए, सभी को आंसर करते रहना, शेयर कर दीजिए सभी को, सभी दोस्तों के ऊपर शेयर करें ताकि सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। और ये घटना चक्र के सभी सब्जेक्ट और क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं घटना चक्र में सभी क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा डेली शाम को। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए चकाचौंध को दूर करने के लिए पोलेराइट का उपयोग करते हैं, किसका करते हैं, पोलेराइट का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संबंधित जो लाइट है उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं तरंग से संबंधित क्वेश्चन, क्या, फिजिक्स में तरंग से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं वो करने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती है, चलिए किस तरंग को हम ध्रुवित कर सकते हैं ये आपको बताना है। चलिए और एक चीज़ हम बता दें, इसमें जो बेसिक है, जो वायु है दोस्तों, क्या,
जो वायु है, तो वायु है अनुदैर्ध्य तरंगे और प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंगे। क्या? वायु है अनुदैर्ध्य और प्रकाश है अनुप्रस्थ। यहाँ पूछा है किसको ध्रुवित कर सकते हैं, तो प्रकाश तरंगों को ध्रुवित कर सकते हैं। किसको? प्रकाश तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली जो लहर है, क्या दोस्तों, तालाब में जो जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहर है वो कौन सी लहर हो जाएगी, बताइएगा। हाँ चलिए बताइए, अनुप्रस्थ होगी, अनुदैर्ध्य होगी कि दोनों हो जाएगी। तो जैसे हम तालाब गए होंगे, कई बार आप भी पत्थर मारे होंगे, है ना, तो अगर शांत जल में आप पत्थर मारते हैं तो उसमें जो लहर उठती है वो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगे उसमें होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके पेपर रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है, चलिए आंसर कीजिएगा, फिर हम समझा भी देते हैं। चलिए बताइए, देखिए आर्द्र वायु में क्या होता है, घनत्व कम होता है किसके अपेक्षा, शुष्क वायु की तुलना में जो है घनत्व कम होता है। किसका घनत्व कम होता है? आर्द्र वायु का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि क्या होती है, चलिए सेकेंड का लोलक बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए सेकेंड का लोलक एक बार हम समझा दे रहे हैं आपको, ये लोलक हो गया ठीक है ना, और यहाँ से गति करती है, है ना। देखिए अगर इसको यहाँ से यहाँ तक जाने, ठीक है, मैं अगर उसको एक सेकेंड लग रहा है तो वापस आने में तो एक सेकेंड लगेगा, मतलब ये पूछा सेकेंड लोलक, मतलब एक सेकेंड में जा रहा तो एक सेकेंड आने में लगेगा, मतलब सेकेंड लोलक का जो समय अवधि होता है वो एक और एक दो सेकेंड का होता है। समझ में आ गया होगा सबको। तो क्या राइट आंसर हो दोस्तों इसका? इसका राइट आंसर हो दोस्तों दो सेकेंड हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? दो सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकेंड के लोलक की काल अवधि, वही चीज पूछा है, सेकेंड के लोलक की काल अवधि, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दो सेकेंड हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन ना वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो रिपीट होते रहते हैं। तो सेकेंड लोलक की काल अवधि पूछे तो क्या बताना है आपको? दो सेकेंड बताना है। सेकेंड राइट होगा। क्या राइट होगा? सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लाइक कर दें, अगर आपको अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें, ताकि जितने भी आपके छोटे बड़े भाई जो पढ़ने वाले हैं सभी के पास वीडियो पहुँच जाए। ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आप आंसर करते रहें, आपसे अगर वो आंसर याद है तो आप तुरंत आंसर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, सेकेंड के पेंडुलम की काल अवधि, देखिए कितने प्रकार से क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल बदल के क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? सेकेंड के जो पेंडुलम है उसकी काल अवधि क्या होती है? दो सेकेंड हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है, मतलब पुनरावृत्ति होती है गति का क्या होता है दोस्तों? पुनरावृत्ति होती है उस गति का, क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है उस गति का, उस गति को बोलते हैं दोस्तों आवधिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवधिक गति बोला जाता है उस गति को। ए राइट होगा। क्या राइट होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, चलिए बताइएगा किसकी बात कर रहा है? पराबैंगनी किरणों की। पराबैंगनी किरणों में जो है ऊर्जा हो है किसकी अपेक्षा अधिक होती है, चलिए आंसर कर दीजिए। कितने लोग से इसका आंसर बन जाएगा, कमेंट में आंसर करें। चलिए ये हो जाएगा दोस्तों पराबैंगनी, इसमें जो ऊर्जा होती है अवरक्त किरणों से अधिक होती है, किससे? अवरक्त किरणों से अधिक ऊर्जा होती है किसमें? पराबैंगनी किरणों में। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, जल उपचार में जो है किसमें? जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, चलिए बताइए। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का जो प्रयोग है किस रूप में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो रोगाणुनाशक के रूप में। किसमें? रोगाणुनाशक, मतलब जल से क्या है, जल से जो रोगाणुनाशक जो होते हैं उनको हटाने के लिए, किनको हटाना है?
जल से रोगाणुनाशक हटाने के लिए। चलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आंसर करते रहना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसको मापने के लिए एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को अगर मापना है तो किसका प्रयोग करते हैं? चलिए हाँ आंसर करेंगे सभी लोग, तो ये करते दोस्तों स्पेक्ट्रोमापी का, किस करते हैं किसके करते दोस्तों ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग करते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से आंसर करते ना सभी को, अब से एक बार शेयर कर दें, एक बार शेयर कर दें ताकि सभी के पास पहुंच जाए। देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन जो है दोस्तों साइंस रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी इनके लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइंस, 20 से 22 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपका साइंस कंप्लीट रहेगा तो ये मान लीजिए आपका 20 से 25 नंबर कंप्लीट है, सभी एग्जाम में साइंस देखिएगा आते हैं। क्वेश्चन अगला है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चलिए बताइए किसका प्रयोग, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चलिए बताइए, तो ये करते हैं रडार का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना, उनका पता लगाना, जैसे आसमान में कोई वस्तु है कहीं पर, कोई है ना कहीं पर कोई वस्तु है बहुत दूर रखी है, उसकी अगर जांच करना है ना कि कौन सी वस्तु रखी कहां पर रखी है, तो रडार लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? रडार लगा देते हैं। अधिकतर आप देखोगे सभी देश अपने सीमाओं पर रडार लगाते हैं, मतलब रडार लगा देते हैं, तो क्या होता है रडार चेक करता है कि कोई हवाई जहाज अपने सीमा पर आ रही है, कोई आतंकवादी अपने सीमा पर आ रहा है, तो ये रडार जांच कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होते, क्यों? मतलब ये बोल रहा है कि खतरे के सिग्नल लाल बना जाता है जबकि हमारा जो आंख है पीले रंग को आसानी से देख सकता है, क्या पीले रंग को आसानी से देख सकता है? तो हमने कई बार बताया है कि लाल प्रकाश इसलिए रखते हैं कि उस क्योंकि उसका तरंग दर ज़्यादा होता है, और जब लाल का तरंग दर ज़्यादा होगा मतलब लाल प्रकाश को आप दूर से भी देख सकते हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब लाल इसलिए सिग्नल बना जाते हैं क्योंकि तरंग दर ज़्यादा है तो आप दूर से देख लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता क्या है? चलिए बताइएगा, एक जो गुण है आपको बताना है, बताइएगा विशिष्टता किसका? दूरदर्शन चैनल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, दूरदर्शन चैनल का जो विशिष्टता है। चलिए कितने लोग का आंसर आ गया देखिए बता देते हैं, प्रेषित संकेत की जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती है, क्या होती है? जो संकेत होती है आवृत्ति वो तुरंत मतलब ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ से जो प्रसारण होता है तो डायरेक्ट हमको सुनाई देता है, कोई भी समय का अंतराल इसमें नहीं होता, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइएगा, हर्ट्ज जो है क्या मापने की यूनिट है? तो बता दें दोस्तों तरंगों की आवृत्ति मापता है, क्या मापता है? तरंगों की आवृत्ति मापता है क्या? हर्ट्ज है, तो ए नंबर राइट होगा, क्या ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति हर्ट्ज लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, आवृत्ति का एसआई मात्रक, देखिए सेम क्वेश्चन पूछ लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछता है, यही होता है रेलवे एनटीपीसी में, एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार पूछता है वो भाषा को बदल बदल के। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हर्ट्ज हो गया, क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा, हर्ट्ज टी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, बताइएगा कौन करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है ये आपको बताना है, माइक्रोफोन करता है, कौन करता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? ध्वनि को क्या करता है? अवशोषित करके उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, ए राइट आंसर होगा, क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर सभी को करना है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्या बोलोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? चलिए जितने लोग से आंसर आ रहा है कमेंट में आंसर करते रहे, क्या हाँ कमेंट में आंसर करें, बोलोमीटर, तो बोलोमीटर से क्या मापते हैं? तापमान, क्या मापते हैं? बोलोमीटर से तापमान। चलिए इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? चलिए
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी भी क्वेश्चन है ये, थोड़ी इजी है क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन भी पेपर में। तो दोस्तों सूर्य किरणें जो आती है ना वहाँ से, तो किसके माध्यम से आती है? विकिरण के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से आती है? विकिरण के माध्यम से आती है। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो सूर्य में ऊर्जा, जो सूर्य में ऊर्जा बनता है तो किस प्रकार से ऊर्जा बनता है सूर्य में? तो नाभिकीय संलयन से। किस प्रकार से बनता है? नाभिकीय संलयन में सूर्य में ऊर्जा बनता है। हमसे ये पूछा है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। किसके माध्यम से पहुंचती है दोस्तों? विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। चलिए शेयर करेंगे सभी दोस्त और लाइक करेंगे ताकि मनोबल बढ़ता रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरे की खोज किसने की? चलिए बताइए, खोज से एक प्रश्न आ गया है ना, इन्वेंशन से एक दो प्रश्न आते रहते हैं पेपर में, तो आप बताइए इसका। एक्सरे की खोज किसने किया? रॉडजन ने। किसने किया एक्सरे की खोज? रॉडजन साहब ने किए थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की? चलिए वही चीज़ पूछा है, बस लाइन है ना, वो क्या है SSC रेलवे में क्या है ना, क्वेश्चन कई सारे रिपीट होते रहते हैं, तो आप ये ना मानिएगा है ना कि क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो रिपीट होते रहते हैं। एक्सरे के खोज कौन किए? रॉडजन साहब। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम पारगम शक्ति किरण कौन सी है? बताइए न्यूनतम पारगम, चलिए न्यूनतम पारगम शक्ति किरण कौन सी है? चलिए बता देते हैं, थोड़ी टफ लग रहा होगा लेकिन देखिए अगर आपसे बनता है तो कठिन और सरल में कोई अंतर नहीं, बन रहा है तो सरल है, नहीं बन रहा है कठिन है, है ना। चलिए सभी क्वेश्चनों को हम सीखेंगे जो नहीं बन रहा है। न्यूनतम पारगम जो शक्ति होती है वो अल्फा किरण की होती है। किसकी होती है? अल्फा किरणों की होती है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? बताइएगा, मानव शरीर में विकिरण के कारण जो क्षति होती है उसको हम किसमें माप सकते हैं? विकिरण कारण क्षति मतलब जैसे एक्स किरणों से हमारे शरीर को क्या क्षति हो रही है, गामा किरणों से क्या क्षति हो रही है, पराबैंगनी किरणों से क्या क्षति हो रही है, इनसे जो हमारे शरीर को क्षति होती है हम उसको कैसे मापते हैं? उसको मापते हैं रेम से। रेम एक यूनिट होती है, उसमें हम मापते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। देखिए इस प्रश्न को आप ध्यान से याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? चलिए बता दीजिए, अब ये पूछा कि एक्स जो किरणें हैं, पहले क्या पूछा? एक्स किरणों की खोज, अब क्या पूछ रहा है? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? चलिए बताइए बताइए। देखिए एक्स किरण, गामा किरण, रेडियोधर्मी किरण, अवरक्त किरण, ये सभी जो किरण है दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय किरण होती है। क्या? ये सभी विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। हमसे क्या पूछा है? एक्स किरण, तो आपको बताना है क्या विद्युत चुंबकीय किरण है? क्या? विद्युत चुंबकीय। अगर आपसे पूछे प्रकाश तरंग किस प्रकार का है, तो भाई प्रकाश तरंग भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है प्रकाश तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण पूछा था, एक्स किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चलिए कर दीजिए आंसर, एक्स किरणों का जो प्रयोग है हम किस लिए करते हैं? चलिए बताइएगा। तो इसका जो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, बता दिए अपन, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, बहुमूल पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। क्या करते हैं? जैसे बहुमूल जो पत्थर होते हैं और जो हीरे होते हैं उसमें क्या चीज़ खराबी है उसका अगर पता लगाना, तो एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? चलिए किसकी बात कर रहा है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग करते हैं? तो यह प्रयोग करते हैं दोस्तों रिएक्टर पैमाना। किसका प्रयोग करते हैं अपन? रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिएगा घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन है ना कहीं पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो देखिएगा मतलब हर एक सेशन से आपको एक दो नंबर का जो इजाफा एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, एक दो नंबर आपका प्लस ही होगा अगर आप पूरा सेशन अटेंड कर रहे हैं तो। चलिए तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाना। चलिए अगला क्वेश्चन, जो पद होता है अधिकेंद्र, मतलब अधिकेंद्र का संबंध किससे आपको बताना है? भूकंप से, ज्वालामुखी, चक्रवात या भूस्खलन से? बताइए बताइए अधिकेंद्र का संबंध किससे? चलिए आंसर कीजिएगा, अधिकेंद्र का संबंध किससे? तो बता दें दोस्तों भूकंपों से। किससे है? अधिकेंद्र का संबंध है भूकंपों से। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? चलिए हाँ अब देखिए यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है, बताइएगा
ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? ध्वनि प्रदूषण की जो यूनिट है डेसीबल है। ध्वनि प्रदूषण को किससे मापते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं आपके डेसीबल से मापते हैं। इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डेसीबल क्या है? चलिए हाँ बताना है आपको डेसीबल है क्या। तो डेसीबल क्या है? ध्वनि स्तर का एक माप है। डेसीबल मापता है कि ध्वनि का स्तर क्या है, है ना। 60 डेसीबल है, 70 डेसीबल है, 80 डेसीबल है, ये चीज़ें जो दर्शाता है ना, डेसीबल दर्शाता है। तो पूछा था दोस्तों डेसीबल क्या है, तो डेसीबल जो है ध्वनि स्तर का एक माप है। क्या दोस्तों? डेसीबल जो है ध्वनि स्तर का एक माप है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शोर को किसमें मापा जाता है? चलिए बताइएगा, क्या शोर, शोर को हम किसको किसमें मापते हैं? तो शोर को मापते हैं डेसीबल में। वही चीज़ है, आप चाहे ध्वनि बोल लो चाहे शोर बोल लो, वही है। तो शोर को मापते हैं डेसीबल से मापते हैं। देखिए एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से करते रहिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या पूछा है? ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या हो जाएगा इसका? चलिए बता देते हैं, इसका डेसीबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेसीबल हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का जो अनुपात है बताइएगा। जिस रात के समय जो होता है आवासीय क्षेत्र में जो होता है, जहाँ मतलब गांव बसते हैं, लोग रहते हैं, वहाँ पर जो ध्वनि का जो स्तर होता है वो क्या होता है बताइएगा? रात के समय ध्वनि का स्तर, चलिए आंसर बताएंगे सभी लोग, वो 45 डेसिबल होता है। कितना होता है? 45 डेसिबल होता है दोस्तों। कितना होता है रात के समय? तो रात के समय होता है 45 डेसिबल। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच जाए, है ना। आप व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए, फेसबुक में, जहां आप जो चीज़ आप यूज करते हैं वहां वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, परासरब तरंग की जो आवृत्ति है विशिष्ट रूप से कितना होता है? देखिए तीन टाइप के होते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए पहले एक होता है अवसरब। क्या होता है? एक अवसरब मतलब 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक। फिर क्या होता है? श्रब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। फिर होता है परासरब। परासरब मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। क्या परासरब किसको बोलते हैं दोस्तों? तो परासरब तरंग उसको बोलते हैं 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को बोलते हैं। तो दोस्तों हमसे यहाँ पूछा था परासरब तरंगों की आवृत्ति, तो क्या हो जाएगी? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य को ध्वनि कंपन की जो अनुभूति है किस आवृत्ति सीमा में होती है? चलिए बताइएगा, मतलब ध्वनि की जो अनुभूति है ना किस आवृत्ति सीमा में होती है, ये आपको बताना है। देखिए मानव जो ध्वनि को सुनता है उसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। क्या? मानव जिस ध्वनि को सुनता है उसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि, और श्रव्य ध्वनि की जो सीमा है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। कहाँ पर है ये ऑप्शन? तो ये ऑप्शन दोस्तों आपका डी में। क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज को मानव सुन सकता है। अगर 20 से कम है ना, 20 हर्ट्ज से कम है अगर ध्वनि की आवृत्ति, तो व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, तरंगों की तीव्रता का अनुपात 25:9 है, तो उनके विस्तार का अनुपात क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, तरंगों की तीव्रता का अनुपात अगर 25:9 है तो उनके विस्तार का अनुपात क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए करना कैसे है इसको हम बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन है, तीव्रता का अनुपात क्या है? 25:9, ठीक। तो हमको निकालना है विस्तार का अनुपात, तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट में लगा दीजिए। देखिए चलिए बता देते हैं, इसको अंडर रूट कर दीजिए, तो 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 5। 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 5:3, उनके विस्तार का अनुपात क्या आ जाएगा? 5:3 क्या जाएगा? 5:3। इसी प्रकार से अगर हम आपको क्वेश्चन आ गया, मान लो तरंगों की तीव्रता का अनुपात अगर अनुपात दे दिया आपको, देखिए तरंगों की तीव्रता का अनुपात दे दिया आपको 16:36, तो विस्तार का अनुपात क्या हो जाएगा? 16 का वर्गमूल 4 और इसका हो जाएगा 6। अब इन दोनों को काट लो, तो 4 को 2 से काटोगे, 6 को 3 से, तो विस्तार का अनुपात 2:3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वर्गमूल निकाल देना है बस। चलिए अगला,
0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 ms मतलब क्या होता है, 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, यह किस प्रकार की तरंग है? चलिए बताइएगा राइट आंसर, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा श्रव तरंगी। इस प्रकार की तरंगों को क्या बोलेंगे दोस्तों, श्रव तरंगे बोलते हैं इस प्रकार की तरंगों को। अगला देखिए, पराध्रवी क्या दोस्तों, पराध्वनिक विमान क्या बोल रहा है, पराध्वनिक विमान निम्न नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है। चलिए ये क्वेश्चन है, अगर आपको बनता होगा तो बता देते हैं। जो पराध्वनिक विमान होता है वो ध्वनि बूम उत्पन्न करता है, क्या करता है, ध्वनि बूम उत्पन्न करता है। डी राइट होगा, क्या राइट होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती, बताइए। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी जो घटना है घटित नहीं हो सकती, चलिए आंसर कीजिएगा, जिनसे भी आता है आंसर कर दीजिए। और बता दें दोस्तों, एक ई बुक लॉन्च किया गया है गुरुकुल के, गुरुकुल प्लस चैनल के माध्यम से ई बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें 4 से 5 जो बुक है उनके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन है ना, तो उसका जो प्राइस है 49 रुपीज है, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो रेलवे NTPC ग्रुप डी पेपर है, इसके लिए आपके देखिएगा नंबर जो है ना प्लस हो जाएंगे इसको पढ़ने के बाद, तो अभी क्या है ऑफर चल रहा है 49 रुपीज में, तो इसको आप परचेस कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती, बताइएगा। ध्वनि तरंगों में जो है कौन सी घटना घटित जो है नहीं हो सकती है, तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ध्रुवण की जो घटना है ना ये ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, ये प्रकाश तरंगों में होती है। किसमें होती है, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता, किसमें होता है, प्रकाश तरंगों में ध्रुवण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तंतु प्रकार की प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है, कैसे प्रकट होती है, चलिए। और लाइक करें सभी दोस्त ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे, और डेली फिजिक्स के क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्या अभी जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन हैं वो पूरे करवाने वाले हैं, फिर रसायन के, फिर बायो के, है ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, पूरी घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी हो जाएंगे, है ना, धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देखिए, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति, बताइएगा, अधिकांश विद्युत जो शक्ति है प्रकट होती है, तो ये प्रकट होती है दोस्तों अधिकांश विद्युत शक्ति दृश्य प्रकाश के ऊपर में, क्या दोस्तों, दृश्य प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, ए राइट होगा, क्या राइट होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चलिए बताइएगा, मतलब ध्वनि के वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसका, दाब का, ताप का, आर्द्रता, घनत्व, चलिए बताइएगा। देखिए दाब जो है ना, दाब की अगर इकाई पूछेगा तो पास्कल बताना है, तापमान की इकाई पूछेगा तो केल्विन बताना है, आर्द्रता को किसको मापते हैं, आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। देखिए क्वेश्चन हमारा ये था कि ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बताइएगा, तो वो है दोस्तों क्या है, दाब है, बहुत ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न देखिएगा पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि थोड़ी से है ना टफ क्वेश्चन लग रहा है ना, तो देखिएगा, तो वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता, किसका, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, ए नंबर राइट आंसर होगा, क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है, किससे, खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है, बताना है आपको, 42 का राइट आंसर बताइएगा। तो ये दोस्तों समदाबी प्रक्रम का किसका उदाहरण है, समदाबी प्रक्रम का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि नहीं गुजर सकती, बताइएगा, जो ध्वनि है दोस्तों, क्या दोस्तों, जो ध्वनि है वो कहाँ से नहीं गुजर सकती है, 43 का राइट आंसर, क्या बता रहा है आपको, आपको बता रहा है 43 का राइट आंसर कि ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती, चलिए बताइए ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती, ये आपको बताना है, 43 का राइट आंसर। तो ये निर्वात से नहीं गुजर सकती दोस्तों, कहाँ से, निर्वात से जो है नहीं गुजर सकती ध्वनि। अगला क्वेश्चन, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है कहाँ पर, बताइएगा, किसमें जो है ध्वनि बहुत तेज यात्रा करती है, क्या, बहुत तेज यात्रा करती है किसमें,
चलिए जिनसे भी आता कमेंट में आंसर करें। देखिए स्टील में सबसे तेज जो ध्वनि यात्रा करती है, स्टील में यात्रा करती है सबसे तेज यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है, क्या किस माध्यम में जो ध्वनि है अपेक्षाकृत तेज चलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, लोहे की छड़, भाप या जल, बताइएगा कहाँ पर तेज चलती है। तो लोहे की छड़ में, किसमें, लोहे की छड़ में तेज चलती है। बी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लेती है, यह क्या है, चलिए बताइएगा ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, बताइएगा ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लेती है, बताइएगा। तो इसमें बता दें चार ऑप्शन में क्या आ गया, सर्दी के मौसम में अधिकतम समय लेती है, क्या जो ध्वनि होती है ना सर्दी के टाइम पर क्या थोड़ी लो चलती है, क्या चलती है, थोड़ी थोड़ी धीमा चलती है, तो जब धीमा चलेगी तो क्या लेगी समय अधिक लेगी, तो सी इसका राइट आंसर होगा कि सर्दी में अधिकतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का तारा तो किस पर निर्भर करता है, चलिए एक बार लास्ट बार बोल रहे हैं, सभी को शेयर कर दे व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में टेलीग्राम चैनल अपने, है ना, जितने दोस्त आपके साथ जुड़े सभी को शेयर कर दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि का तारा तो किस पर निर्भर करता है, चलिए बताइए। हाँ ध्वनि का तारा तो किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है दोस्तों, ध्वनि का तारा तो निर्भर करता है आवृत्ति पर, किस पर निर्भर करता है आवृत्ति पर, और आवृत्ति को किससे मापते हैं, आवृत्ति को मापते हैं हार्ट से, किसे मापते हैं हार्ट से मापते हैं आवृत्ति को। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव में ध्वनि निम्न द्वारा उत्पन्न होती है, बताइएगा मानव में जो ध्वनि है कहाँ से उत्पन्न होती है आपको बताना है। चलिए देखिए 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, SSC 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, बताइएगा ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ से, कहाँ से होती है, देखिए गले से उत्पन्न होती है ना, तो यार गला तो बोलना नहीं है, कंठ जो एक एग्जैक्ट पॉइंट है वो बोलना है, तो ध्वनि उत्पन्न होती है कहाँ से, कंठ से उत्पन्न होती है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, चलिए बताइएगा क्या इसका राइट आंसर, हाँ क्या होगा राइट आंसर, तरंग दर्द, कौन सा गुण प्रभावित होगा, तरंग दर्द इसका जो है प्रभावित हो जाएगा, क्या होगा तरंग दर्द, और तरंग दर्द को किससे मापते हैं, चलिए बताइए, हाँ कमेंट बताइए तरंग दर्द किससे मापते हैं, तरंग दर्द मापते हैं एंगस्ट्रॉन्ग से मापते हैं, किससे मापते हैं एंगस्ट्रॉन्ग से मापते हैं तरंग दर्द, और एंगस्ट्रॉन्ग को इससे सो किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि पूर्ण तरंग दृष्टाकारी की निवेश, क्या दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पूर्ण तरंग दृष्टाकारी की जो निवेश आवृत्ति एन हो तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी, चलिए बताइएगा, हाँ कितने लोग बता पाएंगे, देखिए निवेश की जो आवृत्ति है अगर एन है, ध्यान समझिएगा, अगर निवेश की आवृत्ति एन है तो निर्गत की आवृत्ति भी एन होगा, अगर निवेश की आवृत्ति 2N है तो निर्गत की आवृत्ति भी 2N होगा, मतलब जितना जितना निवेश करेगा, जितनी आवृत्ति से वो निवेश करता है उतनी आवृत्ति से वो निर्गत करता है, इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझिएगा, निवेश की आवृत्ति कितना है N, तो निर्गत की आवृत्ति क्या हो जाएगा, ये भी N हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों आपको हम बता दें कि घटना चक्र के अभी क्या चल रहा है, घटना चक्र में क्वेश्चन में फिजिक्स सब्जेक्ट चल रहा है, तो डेली एक घंटे की क्लास होती है फिजिक्स की, जिसमें 100+ क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, तो आप डेली क्वेश्चन कीजिएगा, आप डेली क्वेश्चन कराए जाएंगे, पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर पूरे केमिस्ट्री के, फिर पूरे बायो के क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, तो साइंस जो है ना, देखिए NTPC ग्रुप डी हो गया, जितने भी एग्जाम होते हैं तो अधिकतर उनमें साइंस का क्वेश्चन, साइंस का पोर्शन रहता ही रहता है, सभी के लिए फ़ायदा होगा। चलिए शेयर कीजिएगा, जय हिंद।